इलायची जिसे खाने से उल्टी नहीं आती, अगर इसे चाय में डाल दिया जाए तो चाय का स्वाद अच्छा हो जाता है। ये बातें तो सभी जानते हैं, लेकिन आज बताने जा रहे हैं कि इलायची कैसे आपकी किस्मत चमका सकती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को कुजोगार पूर्णिमा, व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन श्री सूक्त लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करके हवन करना चाहिए। इस विधि से कोजागर व्रत करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं तथा धन धान्य मान प्रतिष्ठा आदि सभी सुख प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा व्रत विधि, पूर्णिमा के दिन सुबह में इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। इंद्र और महालक्ष्मी जी का पूजन करके घी की दीपक जलाकर उसकी गंध पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन जागरण करने वालों की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। मंदिर में खीर आदि दान करने का विधि विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है। शरद पूर्णिमा का महत्व शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर अनुष्ठान किया जाए तो यह अवश्य सफल होता है। तीसरे पहर इस दिन व्रत कर हाथिया की आरती करने पर उत्तम फल मिलते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचा था। इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होने की किंवदंती प्रसिद्ध है। इसी कारण इस दिन खीर बनाकर रात भर चांदनी में रख कर अगले दिन प्रातः काल में खाने का विधि विधान है। शरद पूर्णिमा व्रत कथा कथानुसार एक साहूकार की दो बेटियां थी और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बेटी ने विधि पूर्वक व्रत को पूर्ण किया और छोटी ने व्रत को अधूरा ही छोड़ दिया। फलस्वरूप छोटी लड़की के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। एक बार बड़ी लड़की के पुण्य स्पर्श से उसका बालक जीवित हो गया और उसी दिन से यह व्रत विधि पूर्वक पूर्ण रूप से मनाया जाने लगा। इस दिन माता महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्यों लगाया जाता है खीर का भोग? इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और रात में खीर बनाकर उसे रात में आसमान के नीचे रख दें ताकि चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश खीर पर पड़े। दूसरे दिन सुबह स्नान करके खीर का भोग अपने घर के मंदिर में लगाएं। कम से कम तीन ब्राह्मणों को खीर प्रसाद के रूप में दें और फिर अपने परिवार में खीर का प्रसाद बांटें। इस प्रसाद को ग्रहण करने से अनेक प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। क्या कहता है विज्ञान? शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा हमारी धरती के बहुत करीब होता है, इसलिए चंद्रमा के प्रकाश में मौजूद रासायनिक तत्व सीधे सीधे धरती पर गिरते हैं। खाने पीने की चीजें खुले आसमान के नीचे रखने से चंद्रमा की किरणें सीधे उन पर पड़ती है, जिससे विशेष पोषक तत्व खाद्य पदार्थों में मिल जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए अनुकूल होते हैं। तो आइए जानते हैं इस दिन इलायची कैसे आपकी किस्मत चमका सकती है। अगर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो अपने पास में 5 इलायची रख लीजिए। ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर आपको अपने जीवन साथी के रूप में सुंदर बीवी चाहिए तो पीले वस्त्र में 5 इलायची डालकर किसी गरीब को दान कर दीजिए। लाख मेहनत करने के बाद भी आपको प्रमोशन न मिल रहा हो तो हरे कपड़े में 1 इलायची बांधकर रात में तकिए का नीचे रख दीजिए और सुबह उठकर किसी बाहरी व्यक्ति को दे दीजिए। पढ़ाई में मेहनत करने के बावजूद आपको सही फल नहीं मिल रहा हो तो इलायची को दूध में उबालकर किसी गरीब को 7 सोमवार तक पिला दीजिए। इससे आपको पढ़ाई में मनचाहा फल मिल जाएगा।